देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर में एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रीति आश्रम में कंप्यूटर वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि योगेश दहिया द्वारा कंप्यूटर वितरण कर किया गया। उन्होंने सोसाइटी के इस कार्य की सराहना की। सोसाइटी की अध्यक्ष रश्मि टेनेंस ने कहा कि इस तकनीकी युग में हम चाहते हैं कि हर बच्चा किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ना रहे और विकास की धारा से जुड़े। इस अवसर पर सुशांत सिंगल ने बच्चों को कंप्यूटर के महत्व की जानकारी दी। रीति आश्रम के संरक्षक महेंद्र व सोमपाल के सहयोग द्वारा यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सोसाइटी के उपाध्यक्ष अधिराज गुलाटी और संरक्षक हरजीत सिंह ने बच्चों को खाने पीने की सामग्री वितरित की। सोसाइटी के अन्य सदस्य ऑस्विन टेरेंस, पूजा गिलोत्रा, राहुल गंदेव, खेमचंद सैनी, जॉनी वर्मा, मयंक मिश्रा, निशी जैन आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि टेरेंस है और ये एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है जिसकी तरफ से वक्त वक्त पे हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं सामाजिक तौर पे, सामाजिक कार्यों के लिए। आज का कार्य हमारे लिए था कि हम रीति आश्रम में कंप्यूटर डोनेट करना चाहते थे और ये डोनेशन के लिए हमारे को सपोर्ट किया और साथ दिया हमारे योगेश दहिया जी ने, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि ये प्रोग्राम हमारा सफल बनाया। और अपनी पूरी एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की टीम का भी धन्यवाद, रीति आश्रम के सर्स का, टीचर्स का भी धन्यवाद कि हमारे ये काम करने के लिए हमें सपोर्ट किया। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, योगेश सैया जी का धन्यवाद करते हुए, रश्मि चैलेंज की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।